कैमरे लगाए हुए, कोई बात तो करो भाई। हाँ वैसे यहाँ से मोड कितना अच्छा आ रहा है। वकार जो हैं बादन बादन आए हैं हमारे पास, इनको हम लोग जो है श्वासवाड़ में लेके हैं ब्लैक फॉरेस्ट में, और आज हम लोग जो है वो बादन बादन की एक मशहूर जो है वाटरफॉल, जिसको जर्मन जबान में वासरफॉल बोलते हैं, वो देखने आए हैं। जर्मनी में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन है, तो हम लोग किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे हमें जाके रात वगैरह रहना पड़े होटल वगैरह में। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि जिसमें आप जो है घर के आसपास जो हैं वो जो इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करें, लेकिन जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं देखने को। ये रास्ता है आबशार की तरफ, ये कोई तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो अभी हम ये हाइक करेंगे और हाइक करने के बाद जो है फिर जहाँ पे आबशार है वहाँ पे पहुँचेंगे। ये ब्लैक फॉरेस्ट का इलाका है, घर से तकरीबन ये जगह जो है कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर है। बड़ा ही साफ पानी है, बिल्कुल पत्थर जो हैं आपको इसमें बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। आज ईस्टर की हॉलीडेज़ हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। वैसे तो कहने को जर्मनी में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है। दोनों तरफ से रास्ता है बेसिकली, ऊपर पहाड़ों से भी है और आप निचली साइड से भी जा सकते हैं। हम लोग जो है वो हम लोगों ने नीचे गाड़ी पार्क की है और यहाँ से अब हम जो है वो निचले वाले रास्ते से जो है वो जा रहे हैं। एंड दिस इज़ एमा। आज हम यहाँ पे बादन बादन के पास आए हैं और यहाँ पे छोटी सी एक आबशार है जिसको देखने के लिए हम आए हैं, और बड़ी प्यारी सीनरी है, पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा गांव है। तो ये देख के मुझे बड़ा नथिया गली और ये सारी जगह बहुत याद आ रही है पाकिस्तान। ये जी जो इन्होंने बोला ये सब बकवास है, ये बिल्कुल ऐसे ही असल में ये यहाँ पर आए हैं अपना 5-10 किलो वज़न कम करने के लिए। ये जब भी मोटे होते हैं तो इनको जो है वो बादन बादन और उसके जंगल याद आ जाते हैं, तो ये अपना वेट लूज करने जो है ये मेरे पास आ जाते हैं। Where is Emma going? So big. So am I. Emma wants to walk. Yeah. Wait. Baba will take Emma first to the easy part, and then Emma can walk. Yeah. Wait. सो नाउ एमा कैन वॉक। बादन बादन का पानी और इसकी हवा पूरे जर्मनी में बहुत मशहूर है, बहुत ही साफ सुथरा पानी है यहाँ का। ये जी निक्की और निक्की का बाबा एमा जो है, एमा और मैं, हम लोग इस वक्त आबशार की ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये जी विकास साहब मुदा करना हो तो या वी डू नॉट हैव शोकोलादे। एमा शोकोलादे इज एट होम। एमा डू यू वांट शोकोलादे?
शुक्ला दे यार अच्छा हाँ ये रास्ता है जो आबशार है उसकी तरफ और ये इस पे मार्किंग हुई हुई है कि यहाँ से जो है किस साइड पे कौन सी चीज़ है। मिसाल के तौर पे ये बादनर होए जो है यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट वीडियो बनाई थी जो हम लोग गए थे कासल पे। ये यहाँ से 10.5 किलोमीटर है ये वाला रास्ता और ये जो गरोलजाव है यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार पार्क की है। अभी हमें तकरीबन जो है 0.8 किलोमीटर हो गए चलते हुए और जो वाटरफॉल है ये गरोलजाव वाटरफॉल ये अब यहाँ से मज़ीद 1 किलोमीटर जो है ना। ये वकार साहब हर 10-15 मिनट के बाद रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मेरा जो है ना चीज हाँ जी जिसके मैं सब कुछ खा। वैसे इनसे फ़ोन पे बात हो तो यही बात होती है कि आज मैं डाइटिंग कर रहा हूँ आज मैं ये कर रहा हूँ आज मैं लेकिन यार अब ये अपने साथ पूरा एक बैग लाए हैं जिसके अंदर इन्होंने जो है अपना खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ये जर्मन जबान में लिखा हुआ है कि जो आप पीछे रद्दी वगैरह या बॉटल्स छोड़ के जाते हैं तो आप काइंडली जो है नेचर के बारे में सोचें जब आप ये कर रहे होते हैं। बादन बादन में जो इसका पानी है और इसकी जो हवा है ये बहुत मशहूर है। यहाँ पे मोस्टली जो है वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो पसंद करते हैं यहाँ पर आके रहना क्योंकि इसकी फ़िज़ा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आई थिंक जर्मनी में क्लीनेस्ट एयर जो है वो बादन बादन की है और फिर चूँकि ये पहाड़ी इलाका है यहाँ पर पानी जो है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है तो पानी और अपनी हवा और अपने दरख्तों की वजह से बादन बादन जो है बहुत मशहूर है। इन लविंग मेमोरी टू बारबरा ड्यूबरी। ये है पता नहीं कौन मुहतरम है जिनकी मेमोरी में जो है वो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे और लोग भी आए हैं ख़ास तौर पे सूर्या साहब भी तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, याकूब साहब भी हैं। तो ये जो हट है इसके ऊपर बहुत सारी ग्रेविंग हुई है और तो और यहाँ पे एक मलिक साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये मलिक लिखा हुआ है। ये हमारे कुछ इंडियन भाई भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या हुआ है। इब्राहिम साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे 2003 में। ये वकार साहब जलील होके आ गए मतलब जो है आप सारे हिस्से उसके ऊपर आने हैं। ऑलराइट और आपने कहना है कि ये ड्रोन शॉट तो किसी काम का ना होगा। आपका हज हो गया कि नहीं? अगर वहाँ पे ड्रोन शॉट हो ना तो सबसे बेस्ट। आपका हज हो गया कि नहीं? नहीं ये हज नहीं हो रहा।
बादन बादन के अखरोट, ये लास्ट सितंबर के इकट्ठे हुए हैं जो अखरोट हम लोगों ने। प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, एक नीचे है और एक ऊपर है। अभी मैं आपको पहले जो है ना नीचे वाला प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, ये जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है आबशार को देखने के लिए। इस वक्त आई थिंक कोरोना SOPs तो कोई फॉलो नहीं हो रही, ये कुछ मंचले जो हैं ये नीचे इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं वाटरफॉल, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। और अभी ये कितनी ऊंची है यहाँ से तो एक्चुअली अंदाज़ा नहीं होता, ऊपर जाके दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ा सा अंदाज़ा होगा इसका ये कितनी ऊंची है। ये सामने यूट्यूबर्स ये जो आप जो कर रहे हैं चेक कर रहे हैं इन लोगों का काम, देखिए वो बच्चा ड्रिप के अंदर जा रहा है। ये है जी ब्लैक फॉरेस्ट, ये नीचे पत्थर है बहुत बड़ा और उसके बिल्कुल साथ में जो है वो दरख्त जो है वो उगा हुआ है। और किस तरह दरख्त की चट्टानें जो हैं, सॉरी जड़ें जो हैं, उसने चट्टान को जो है वो पकड़ के रखा हुआ है। ये अब हमारा जो है वो वापसी का सफ़र शुरू हो गया, तकरीबन 3 घंटे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे स्पेंड किए हैं। अब वैसे भी निक्की के सोने का टाइम हुआ है तो अब हम लोग जो है वो घर की तरफ निकलेंगे। खैर जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें जो है मज़ीद अभी आधा घंटा लग जाना है और फिर आधा घंटा और चाहिए हमें यहाँ से घर पहुँचने के लिए। ये जी अब्दुल्लाह की बेटी हैं निकी। एमा व्हाट स्नैक्स टू व्हाट आर यू डूइंग या एम आर क्लाइंबिंग।
ये बेंच नज़र आए हमें रास्ते में, एक जो है वो बड़ों के लिए है और उसके साथ उन्होंने जो है छोटे बच्चों के बैठने के लिए भी बेंच बनाया हुआ है ताकि छोटों को भी कोई मसला ना हो। काम चेक करें आप जर्मन गवर्नमेंट के। ये वैसे कोई उल्लू का काम जाते जाते अपना जो है ना वो चम्मच यहीं भूल गया और ये मेज के अंदर जो है ना फिट कर गया अल्लाह का बंदा। खैर यहाँ पे कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा इसलिए, लेकिन इसको साथ लेके जाना चाहिए था।